प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पदक विजेता खिलाड़ियों की स्थिति बेहद खराब है। स्थिति यह है कि खिलाड़ी खेलों में पदक जीतकर कई उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद सड़कों पर नमकीन और बिस्कुट बेचने को मजबूर हैं। जी हां, पहली महिला इंटरनेशनल पैरा शूटर दिलराज कौर गांधी पार्क के समीप नमकीन बेचने को मजबूर हैं, ताकि परिवार का भरण पोषण कर सके। प्रदेश सरकार की ठोस नीति न होने से खिलाड़ी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। दिलराज कौर ने सरकार से उनकी उपलब्धियों और शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी देने की मांग कर रही है। देहरादून के गोविंदगढ़ की रहने वाली दिलराज कौर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक शूटर हैं। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। शूटिंग में पदक जीतने के बावजूद शूटर दिलराज कौर की सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। शूटिंग में उन्होंने कई उपलब्धियां उनके नाम है। उन्होंने सरकार से मजबूर से उनकी उपलब्धियों और शैक्षिक योग्यता को देखते हुए स्पोर्ट्स कोटे से उन्हें नौकरी देने की मांग की है। बता दी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा महिला शूटर दिलराज ने 2005 में 19वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रांड चतुर्थ, उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। वहीं केरल में हुई 15वीं ऑल इंडिया जीवी मावलेकर शूटिंग चैंपियनशिप में 4थी रैंक हासिल की। हैदराबाद में 49वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और प्रथम इंटरनेशनल महिला शूटर बनी। साल 2004 में तृतीय अंतरांचल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, कोयम्बटूर में 14वीं ऑल इंडिया जीवीएम शूटिंग चैंपियनशिप में 12 रैंक हासिल कर प्रथम महिला पैरा शूटर ऑफ इंडिया बनी। तो इतना लोग अपने पापा की इतनी मुश्किल था, क्योंकि ये मेरे लिए बेटा, अभी मेरे लिए ये है सब कुछ कर। अभी 15 दिन पहले हमारी दादी मिलती थी, तब भी हमने सब कुछ उनके। आई फील प्राउड। क्या बोल, लोग कहते बेटियाँ क्यों नहीं होती बेटियाँ, बेटा भी बेटी सब कुछ मैं लाग रहा था। फिर रोज कॉल करना, कभी आपका डोमिसाइल नहीं आया, कभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, करते करते उन्होंने मैसेज बहुत तंग किया। जब सिलेक्शन हुआ मैंने बात तब कार की थी, मैंने बात की उनसे, तो कह रहे ये तो पैरा वालों के लिए तो डिसेबल पी एच कैटेगरी में था ही नहीं, आपने अप्लाई भी किया। मैंने जब मैं आपने मेरी दिखला दी थी पहले शुरू शुरू में 6,000 मिलते थे, 6,000 मिलते थे गोल्ड के। काफी टाइम तक वही चला, फिर सरकारें बदलती एक मेडल के, मैं मेडल जीती लाई सिर्फ नेशनल के। अच्छा, स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ नेशनल की मेडल की बात कर रही हूँ। तो नेशनल जैसे मेडल आता था तो तब साल में 6,000 रुपये मिल जाते थे। उसके बाद फिर इंडियन पैरा वुमन शूटर हूँ, फर्स्ट स्पोर्ट्स एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर स्पोर्ट्स हूँ। अच्छा करियर था, फिर पिताजी बीमार हो गए, उनकी बीमारी में काफ़ी घर के हालात ख़राब होने लगे। ब्रदर का भी एक्सीडेंट हो गया, उसके भी अभी 3 फरवरी में वो भी नहीं रहे। तो जो एक फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो ख़राब हो गया। अब क्या, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं और मेरी मदर है, सिर्फ पिताजी की फैमिली जो मतलब सरकार से जो पेंशन आती है वो आधी रेंट में चली जाती है। फिर कुछ हमारे जो लोन से पापा के टाइम पे लिए हुए वो हम लोग पे करते हैं। तो मंथ है मतलब ये लगा लीजिए 15-20 तारीख के बाद हमारे पास पैसा नहीं होता बिल्कुल भी अपनी जीवन यापन करने के लिए। अब सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए, अब जब मैं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हूँ तो सबको लगता है कि पता नहीं क्यों कर रही है। तो मुझे तो अपना जीवन यापन करना ही है ना। सरकार गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहा है खेल के लिए। देखिए और स्टेट्स में है, हमारे स्टेट में एक स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स पॉलिसी शायद अभी तक बनी नहीं। अगर बनी होती तो मुझे आज यहाँ रोड साइड पे काम ना करना पड़ता, क्योंकि जैसे और स्टेट्स में है कि मेडल्स पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट वो लोग नौकरी देते हैं। अगर यही पॉलिसी हमारे स्टेट में भी एप्लीकेबल होती। ये सिर्फ मेरी अकेले की बात नहीं है, ये सब हर उस खिलाड़ी की बात है जो बहुत मेहनत करता है बट एक टाइम के पे आके सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण अपना करियर त्याग देता है।
पिलाया या दूसरे स्टेट में पिलाया कराता है, तो वो नौबत अब आगे किसी के साथ ना आए। जो चीज़ें जो फ्रस्ट्रेशन हम लोगों ने झेली है, मैं चाहती हूँ और कोई ना झेले। इसलिए सरकार से विनती यही है कि प्लीज़ सबका ख्याल रखिए। आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर या खेल मंत्री, खेल सचिव किसी से बात की कभी? जी, मैं 2004 से शूटिंग कर रही हूँ, तो 2010 से मतलब जब भी मतलब काफ़ी टाइम से मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। कई बार ये सुनने को मिला कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमारे स्टेट में कोई वो नहीं है, कभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में कोई वो नहीं, प्रोविजन नहीं है, तो सुनती ही आ रही हूँ मैं। आर्थिक रूप से मदद करी है सरकार ने, जब मतलब पुरानी सरकार थी। कई बार मुझे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए पैसे दिए हैं, जो मेरी वेपन के लिए भी पैसे दिए हैं। मैं नहीं कहती सरकार ने कुछ नहीं, लेकिन जो मेरा एक सिक्योर्ड फ्यूचर था वो अभी भी नहीं मिला, क्योंकि हम जब मेडल लेके आते हैं तभी अवार्ड मनी मिलती है। वो अवार्ड मनी थोड़ी बहुत जितनी भी मिलती है वो फिर हमारे ट्रेनिंग सेशंस में खर्च हो जाती है। बाकी टाइम क्या करते हैं? बाकी टाइम फिर घर वाले मदद करते हैं।